और बिल्कुल चिल्ड हवा आ रही है। ये देखिए 5.5 पे आके रुक गया है, और भी नीचे जा रहा है मुझे लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही शानदार एयर कंडीशनर कूलर बनाने वाले हैं, और ये एयर कंडीशनर कूलर बिल्कुल आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। और जिन्होंने भी अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम इस तरह का एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा, और इसको हम गैस पे या हॉट एयर गन के द्वारा गर्म करके इसकी बना लेंगे सीटें। तो काफी वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी है कि किस तरीके से सीटें बनती है। तो चलिए मैं इसकी सीटें बना लेता हूँ जल्दी से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पीवीसी पाइप की सीटें बना ली है। तो 9x7 का एक पीस, 10x7 का एक पीस, 10x6 के दो पीस, और देखिए यहाँ पर मैंने इनको कॉर्नरों से इस तरीके से कटिंग भी कर रखी है। तो ये कटिंग मैंने क्यों की है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 6x7 का एक पीस, 4x7 का एक पीस। ये देखिए यहाँ पर मैंने गलती से इसको कट कर दिया था, फिर यार मैंने इसको वापस जोड़ दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से जुड़ गया है स्टंट ग्लू के द्वारा। और देखिए लास्ट में है 2.5x7, ठीक है। यहाँ पर ये जो दोनों पीस है इनमें जो छोटा वाला है 9x7 वाला, ये फ्रंट है, और 10x7 वाला ये लगेगा हमारे एसी कूलर के ठीक पीछे की तरफ। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले पैनल के अंदर कुछ मार्क कर लेते हैं, और वो मार्क हम क्यों करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए इनको मैं साइड के अंदर रख देता हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि इस तरह के जो फैन है मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं, और ये मिलते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से। तो देखिए यहाँ पर ये जो फैन है ये है 70mm का, तो इनकी लंबाई इनटू चौड़ाई सेम ही रहती है। और देखिए ये वाला है 80mm का, और ये वाला है 90mm का, और ये वाला है फ्रेंड्स 120mm का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 इंच का है। और आप इसकी हवा देखना फ्रेंड्स, आपको मजा आ जाएगा, और हवा के साथ साथ ये चिल्ड हवा देगा। चिल्ड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे यार, मेरी देसी भाषा है, बिल्कुल ठंडी, कोल्ड, ठीक है, ऐसी हवा देगा। अब आप सोच रहे हैं कि यार मुकेश भाई ये फैन ही तो है, काय का चिल्ड हवा देगा यार। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर मैं कुछ और डिवाइस भी लगाने वाला हूं, वो तो जब हमारा एसी कूलर बनके तैयार हो जाएगा तब आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर इस फैन को इस तरीके से रख के इनको तो मैं एक साइड के अंदर रख देता हूँ फिलहाल। ये वैसे ही मैंने आपको एक नॉलेजेबल बताया है, ठीक है। और आप देखिए इसकी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको रख के और तीनों तरफ से एक एक इंच छोड़ दूंगा, सिर्फ यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं छूटेगा, क्योंकि यार यहाँ पर तो मैं जानबूझ के जगह ज्यादा ले रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो के अंदर ये हॉट नाइफ कटर बनाया था, इसी के द्वारा यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करने वाला हूँ, क्योंकि यार पीवीसी शीट की तो इससे बहुत ही जल्दी कटिंग हो जाती है, और आपने काफी वीडियो के अंदर भी देखा होगा। तो अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर देता हूँ। और अब देखिए फ्रेंड्स, इस दासू फैन को मैं इसके अंदर फिक्स कर देता हूं। और देखिए इस फैन का मैं और भी कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो मोटाई है यहां पर यह है 40mm, और आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है डीसी ब्रुसलेस, और ये 12 वोल्ट का डीसी फैन है। और अब देखिए मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ स्टंट ग्लू के द्वारा। देखिए यहाँ पर ये लुकिंग वाइज भी बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए फैंस, बहुत ही टाइटली यहाँ पर हमने फैन को इस तरीके से फिक्स कर लिया है। और अब देखिए यहाँ पर मैं इसके अंदर की साइड से चारों तरफ स्टंट ग्लू डाल देता हूँ। यार मजा तो तब आएगा जब यार ये चिल्ड चिल्ड हवा देगा, और मैं आपको इसकी बहुत ही शानदार टेस्टिंग कराऊंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो दोनों पैनल है, एक बेस वाला और एक साइड वाला, इन दोनों को हम इस तरीके से चिपका लेंगे। और अब देखिए ये जो फ्रंट पैनल है इसको हम फिक्स करेंगे यहाँ पर। और अब देखिए इस साइड वाला पैनल भी हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस पैनल को भी फिक्स कर दिया है।
अब देखिए यहाँ पर हम दो पैनल लगाने वाले हैं ऊपर की साइड के अंदर, तो एक पैनल तो लगेगा यहाँ पर और एक पैनल लगेगा इसके ऊपर। तो ये जो पैनल लगेगा यानी कि ये वाला, तो इसके अंदर फ्रेंड्स हम एक चीज और फिक्स करने वाले हैं और वो है ये, जो कि डीसी मोटर कंट्रोलर है यानी कि स्पीड कंट्रोलर। तो ये काम में आएगा फ्रेंड्स इसकी स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए। तो हम इसके अंदर इनपुट दे सकते हैं 12 वोल्ट से 40 वोल्ट और ये 10 एम्पियर का है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर देखिए चार पॉइंट दिए हुए हैं, दो इनपुट के और दो आउटपुट के, यानी कि देखिए फिलहाल हम इसके अंदर 12 वोल्ट इनपुट देंगे तो ये इनपुट आएगा इन दोनों पॉइंटों पे। ये देखिए मैंने ऑलरेडी सारी चीजें इस पर इंगित कर रखी है, तो ये दोनों पावर के लिए है और ये दोनों मोटर के लिए। तो यहाँ पर लगाएंगे हम पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो ये दोनों इनपुट के हो गए। इसी तरीके से मोटर के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर यहाँ पर लग जाएंगे। सेम यही चीज यहाँ पर नीचे की तरफ भी लिखी हुई है। तो कई बार हम सर्किट को इस तरीके से लगा देते हैं तो हमें नहीं पता रहता कि कौन सी चीज कहाँ पर लगेगी, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं। तो चलिए अब हम इसको सबसे पहले इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं और फिर लगाएंगे हम इसको यहाँ पर। और अब देखिए इसको हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। तो चलिए जल्दी से इसको फिक्स कर देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर दिया है। और अब देखिए यहाँ पर हम ऊपर वाला पैनल लगाने से पहले बैक वाला पैनल लगाएंगे जो कि ये वाला है। लेकिन फ्रेंड्स हम इसको ऐसे ही नहीं लगाएंगे क्योंकि अब हम करेंगे इसके अंदर एक एसी वाला जुगाड़। तो देखिए फ्रेंड्स उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा होगा, ये है पेल्टियर मॉड्यूल किट और इस किट को हम फिक्स करेंगे इस कूलर के अंदर। तो वैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल बता दी थी कि किट के अंदर क्या क्या आता है। देखिए आपको मैं वापस से बता देता हूँ, ये है इसका डीसी फैन, एक छोटी हीट सिंक, एक बड़ी हीट सिंक और एक देखिए ये फोम आता है जो कि पेल्टियर मॉड्यूल को फिक्स करने के लिए आता है। और एक आती है ये नेट, ये जाली जो कि फैन के ऊपर लग जाती है इस तरीके से। और कुछ आते हैं स्क्रू, साथ ही हम यूज में लेने वाले हैं 12 वोल्ट और 15 एम्पियर का ये पेल्टियर मॉड्यूल। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था किस तरीके से गिलास के अंदर ही आइसक्रीम जमा दिया था, तो वो हमने इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा था और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इससे कुछ ना कुछ करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर हम ये एसी कूलर बना रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिक्स कर लेते हैं इन सबको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं इस पेल्टियर मॉड्यूल को लगा देता हूँ इसके ऊपर, तो इसको मैं हीट सिंक पेस्ट के द्वारा फिक्स कर दूंगा। और देखिए जिधर ये कूल रहता है उस साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और उसी साइड के अंदर देखिए इसके अंदर वोल्टेज और एम्पियर भी लिखे होते हैं और इसके ऊपर लगाएंगे ये हीट सिंक, छोटी वाली हीट सिंक। तो देखिए इसको लगाने से पहले यहाँ पर इस सीट को भी लगा लेते हैं। और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ये वाला फैन जो कि 40 mm का आता है और ये भी फ्रेंड्स 12 वोल्ट का है। तो चलिए इसको फिक्स कर देते हैं जल्दी से। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, पिछले वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया भी था कि इस किट के साथ में मुझे ये वाला फैन नहीं मिला है, तो यहाँ पर ये फैन मैं अलग से लेके आया हूँ और ये मुझे मिला है 20 रुपए का। तो चलिए जल्दी से फिक्स कर देते हैं इसको भी। और अब देखिए ये वाला फैन भी हम यहाँ पर कस लेते हैं और इसके ऊपर लगा देंगे ये जाली। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इन तीनों डिवाइसों के वायरों को पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, तो दो वायर है इस फैन के, दो वायर है पेल्टियर मॉड्यूल के और दो वायर है इस छोटे वाले फैन के। तो वायरिंग को हमने अच्छे से फिक्स कर दिया है और फाइनली इसके निकल गए हैं ये दोनों वायर। और अब देखिए इस किट को हम लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से और ये लगेगा इस पैनल के अंदर। तो सिर्फ हम इस हीट सिंक के लिए कटिंग कर लेते हैं ताकि ये कूल वाला हिस्सा अंदर की तरफ रहे। और
अब हम इसके अंदर पेल्टियर किट को कस देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर दिया है। तो इसको फिक्स करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक बार इसको खोल लिया था और ये जो फॉर्म है इसी के हिसाब से हमने पैनल के अंदर कटिंग कर ली थी। तो ये अभी फिलहाल हमारे किसी भी काम का नहीं है क्योंकि इसकी जगह हमने पैनल के साथ में इसको फिक्स कर दिया है, देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स जो बाहर वाला फैन है इसका वायर मैंने इस तरीके से अंदर की तरफ ले लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर हम लगाएंगे एक डीसी सॉकेट। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये वाला डीसी सॉकेट ले लिया है और इसको हम फिक्स करेंगे यहाँ पर। तो सॉकेट भी हमारा लग चुका है और अब ले लेंगे हम यहाँ पर दो वायर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें अच्छी क्वालिटी के वायर लेने हैं। तो 0.75 स्क्वायर mm के मैंने दो वायर ले लिए हैं, रेड और ब्लैक, और इनको भी मैं पैरेलल में इनके साथ में कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए इनको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अब देखिए इन दोनों वायरों को हम कनेक्ट करेंगे स्पीड कंट्रोलर के इनपुट पे, यानी कि पावर प्लस और पावर माइनस पे। तो चलिए मैं इनको नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से कनेक्ट कर देता हूँ। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो फैन है इसके चार वायर है, तो इसके आगे देखिए एक सॉकेट लगा हुआ रहता है, तो उसको मैंने कट कर दिया है क्योंकि हमें फ्रेंड्स यहाँ पर दो ही वायर लेने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के, और इन दोनों वायरों को हमें कोई भी काम में नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर मोटर प्लस और मोटर माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर 12 वोल्ट से 40 वोल्ट तक कोई भी डीसी मोटर लगा सकते हैं, और जितने भी फैन होते हैं इस तरीके के उनके अंदर भी एक तरीके से डीसी मोटर ही होती है। तो चलिए फ्रेंड्स इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। ठीक है, तो हम चाहते तो इन वायरों को उस साइड से भी कस सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने पीसीबी को उल्टा लगा रखा है इस तरीके से। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस वाले पैनल को भी लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस पैनल को भी अच्छे से चिपका दिया है। और अब देखिए यहाँ पर मैं आपको वो प्रोसेस बताता हूँ जिससे हमारा ये कूलर सेम एसी की तरह कूल हवा देगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको अंदर से बताता हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेल्टियर मॉड्यूल लगा हुआ है इससे निकलेगी कूल हवा, और अंदर लगा हुआ ये जो फैन है ये चिल्ड हवा इस फैन को देगा, बड़े वाले फैन को। तो ये बिल्कुल इसके ठीक सामने लगा हुआ है और यहाँ से निकलेगी कूल हवा, यानी कि सेम एसी की तरह हवा। तो चलिए इसको चेक कराने से पहले हम इसका ऊपर वाला कवर भी लगा लेते हैं, यानी कि ये वाला। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स हम इसके अंदर कुछ होल करेंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा वेंटिलेशन होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स यार यहाँ पर मैं एक चीज सोच रहा हूँ, इसके अंदर छोटे छोटे होल निकाल के इसको लगाने से बढ़िया है यहाँ पर हम नेट लगा दे। तो देखिए इसके लिए मैंने ऑलरेडी इस तरीके से नेट बना ली है। तो चलिए अब हम इसको इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से नेट लगा दी है। और अब बारी है फ्रेंड्स इस एयर कंडीशनर कूलर की टेस्टिंग की। तो देखिए फ्रेंड्स इसको चेक कराने के लिए यहाँ पर मैं लूंगा ये वाली SMPS जो कि एक PC की SMPS है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे कूलर के अंदर 15 एम्पियर का पेल्टियर मॉड्यूल लगा हुआ है और ये बात मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताई थी। तो यहाँ से लेंगे हम 12 वोल्ट और 15 एम्पियर की सप्लाई जो कि येल्लो वाले वायर के अंदर से आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने येलो और ब्लैक वाले वायर को अलग से निकाल लिया है, और ब्लैक वाला वायर फ्रेंड्स ग्राउंड के लिए है ही। और आगे जाके फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये मैंने 0.75 स्क्वायर mm का वायर लेके यहाँ पर ये डीसी सॉकेट लगा लिया है। तो SMPS को चालू करने के लिए यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक वाले वायर को शॉर्ट करना होता है जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है। और अब देखिए इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ पावर कोड, ये लीजिए फ्रेंड्स। तो हमारी यहाँ पर SMPS चालू हो चुकी है। या फिर फ्रेंड्स आप इसकी जगह कोई और सप्लाई भी ले सकते हैं जैसे कि इस तरह की जो कि हमने एक वीडियो के अंदर बनाई थी, लेकिन फ्रेंड्स इससे हम सिर्फ 10 एम्पियर तक ले सकते हैं और हमारा पेल्टियर मॉड्यूल है 15 एम्पियर का, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने SMPS ली है। और ये सेकेंड हैंड बिल्कुल आसानी से मिल जाती है सिर्फ 150 के अंदर, और ये मिलेगी फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप से। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस केबल को लगाते हैं कूलर के पीछे की तरफ, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, ये लीजिए फ्रेंड्स। और अब हमारा ये कूलर चालू हो चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो अभी बिल्कुल लो पे है ये, और अब देखिए यहाँ पर जो पेल्टियर मॉड्यूल है वो भी इसके अंदर कूलिंग करना स्टार्ट हो गया है। तो पहले तो मैं आपको इसकी हवा चेक करा देता हूँ कि कितनी तेज आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी जो हवा आ रही है वो बिल्कुल धीरे आ रही है, और जैसे ही अब मैं इसको इस तरीके से घुमाऊंगा तो आप इसकी हवा का अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप इसकी हवा का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये आ रही है इसकी गजब की हवा। तो
काफी तेज है यार इसकी हवा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बोतल भी उड़ जाएगी, ये देखिए। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, जो रूम का टेम्परेचर है वो है 33 डिग्री सेल्सियस। तो 5 मिनट बाद में देखना फ्रेंड्स यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं और अब देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना हो चुका है इसका, ये देखिए फ्रेंड्स। तो ये टेम्परेचर देखिए यहाँ पर इतना ही आ रहा है, ये देखिए 11 हो गया है, यानी कम ही हुआ है टेम्परेचर। तो यार ये तो नीचे ही जा रहा है, बिल्कुल काफ़ी नीचे चला गया है यार फ्रेंड्स इसका टेम्परेचर, आप देख सकते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा फ्रेंड्स कितना नीचे चला गया है यार इसका टेम्परेचर। और बिल्कुल चिल्ड हवा आ रही है, ये देखिए 5.5 पे आके रुक गया है, और भी नीचे जा रहा है मुझे लगता है। ये 5 पे आके रुक गया है फ्रेंड्स। ये देखिए 5.2 पे है, बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो ये टेम्परेचर है फ्रेंड्स इसका, और पूरा कमरा यहाँ पर बिल्कुल चिल्ड हो गया है फ्रेंड्स। मज़ा आ गया यार फ्रेंड्स, देख सकते हैं यार इसकी स्पीड। कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि आपको ये एयर कंडीशनर कूलर कैसा लगा, साथ ही आपके भी अगर कोई सलाह या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर से शेयर कीजिएगा, हो सकता है यार वो भी इस तरह का एसी कूलर बनाने की सोच रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।